हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि कभी हमारे पास जैसे कि कभी फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक मल्टीपल फॉर्मूलेज लगे हुए हमारे पास, लेकिन उसके बीच में कहीं पे हमारे पास एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब डेटा है, मतलब नॉर्मल नंबर्स या वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं उसको आपको दो तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से फार्मूले को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं आपको जब एग्जांपल बताऊँगा तो आपको माइट भी समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा, यहाँ पे मैं एक फार्मूला, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैं 10 से लेकर 99 तक डाल देता हूँ, रन बिटवीन 10 to 99। ये हमारे पास जैसे फार्मूले हैं और मैं इसको वैल्यूज़ एंड नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट? तो अभी मेरा यहाँ पे फार्मूला हट गया है, लेकिन सब लेट सपोज़ मैं यहाँ पे किसी बीच वाली वैल्यू में यहाँ पे 20 into 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10 divided by 2, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम 15 into 2 divided by 2। तो ये हमारे पास इस रेंज में हमने नॉर्मली हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे इस तरीके से सर्च करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास, राइट? तो अगर हमारे पास इस तरह का कभी हमारे पास कोई क्राइटेरिया है, या तो हमारे पास कोई वैल्यूज़ नंबर्स आ रहे हैं कहीं से, और उन पर्टिकुलर रेंज में कहीं पर भी हमारे पास वैल्यूज़ और मतलब कहीं पर फार्मूला लगा है, कहीं पर नंबर है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा फार्मूला इस पूरी रेंज में कहाँ तक लगा हुआ। ये तो हमारी सिर्फ 24 तक ही रेंज है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास 1000, 10000, बहुत बड़ी रेंज हो सकती है। तो इस सिनेरियो में हम अपने फार्मूले एक पर्टिकुलर रेंज में कैसे ढूंढें? अगर किसी को मतलब पता नहीं है कि कैसे ढूंढना है, तो एक एक रो में जाकर ढूंढेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका ये होता है, दो तरीके से बताऊँगा कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे गो टू स्पेशल का, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास फाइंड एंड होम टैब में फाइंड एंड सिलेक्ट में यहाँ पे गो टू का ऑप्शन आता है। जब गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कर सकते हैं। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फार्मूले का ऑप्शन आता है, और इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, तो उसने तीनों के तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जाने के बाद हम वहाँ पे कलर कर सकते हैं इस तरीके से, रेड कलर। तो आप देखेंगे कि इन तीनों ही जगह पे हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है, तो हम इजीली इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? और अगर हमें फिर उन्हें एक साथ डिलीट करना है उस पर्टिकुलर रेंज को, या तो कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पर जाके शॉर्ट बाय कलर करेंगे, तो ये हमारे पास टॉप में ही हमारे पास सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर आ जाएंगे। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है, मैं इसे हटा देता हूँ अभी, इसको रहने देते हैं, राइट? तो एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक दूसरा हेल्पिंग कॉलम में लिख सकते हो कुछ भी, मतलब इसका हेडर दे देता हूँ, मैं हेडर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको लिखना है फार्मूला, फार्मूला टेक्स्ट, फार्मूला टेक्स्ट हमारा ये फार्मूला है, और सिंपली आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट की रंग करेंगे और पूरे इसको नीचे से लेकर ऊपर तक कंट्रोल डी करके ड्रैग कर देंगे, राइट? तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास फार्मूला होगा, वहाँ वहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आप फिल्टर लगा के जो भी हमारे पास ये एन ए वाले हैं, इनको डिसलेक्ट कर देंगे यहाँ से, सिलेक्ट हटा देंगे इनका, और सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास फार्मूले का टेक्स्ट आ जाएगा, और वहाँ से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पूरी रेंज में किस किस पर्टिकुलर सेल में हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है। तो ये तरीके बताए मैंने आपको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी सेल में कहाँ कहाँ पे फार्मूले लगे हुए, क्योंकि कई बार इस तरह का हो जाता है, हमारे पास एक रेंज आती है, तो अगर उसके बीच में कहीं पे फार्मूले लगे हुए हैं, तो आप सिंपली इन दो तरीक़ों से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, फार्मूला टेक्स्ट एन ए वहाँ पर आएगा जहाँ पर फार्मूला नहीं लगा होगा, जहाँ पर फार्मूला होगा वहाँ पर उस फार्मूले की वैल्यू आ जाएगी, राइट? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।